कहीं लड़कियां नाली में छोड़ दी जाती है, कोई कूड़े के ढेर पर छोड़ी जाती है और पुलिस की मदद से वो यहाँ तक पहुँचती है। कई उनके गांव के लोग छोड़ने के लिए आते हैं। गांव में से आने वाली लड़कियों को यही बात थोपी जाती है कि तू अंधी है तो कुछ नहीं कर पाएगी। समझाते हैं कि जो भी काम करना है वो बुद्धि से होता है, आंखों से नहीं होता है। प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज 1996 में प्रारंभ किया। यहाँ पर 200 बहनें, माताएं और बच्चियां हैं। इसमें से 20 माताएं हैं बुजुर्ग। इसके बाद 35 लड़कियां ऐसी हैं जो नेत्रहीन हैं और अल्प बुद्धि होने के कारण उसका विकास नहीं हो पा रहा है। और इसके सिवा 150 जो लड़कियां हैं वो पढ़ रही है। हमारी लड़कियां यहां से पढ़ करके कोई रेलवे में काम करती है, कोई बैंकों में काम करती है, कोई प्रोफेसर भी बनती है। सुई में धागा डालने से लेकर के जो नॉर्मल एक व्यक्ति करता है वो सब ये नेत्रहीन लड़कियां अच्छी तरह से कर पाती है। जो लड़कियां हैं सारे गुजरात में से तो आती ही है, उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, मद्रास से भी आती हैं और उनको रहना खाना, उनका पढ़ाई का खर्चा, सब प्रकार की सुविधा उनको निशुल्क दी जाती है। 200 लड़कियों में से हर दिन 10-12-15 लड़कियां बीमार रहती है, उनकी मेडिसिन के लिए भी बहुत आवश्यकता रहती है। किसी भी प्रकार की चीज़ें डोनेट कार्ड के माध्यम से हमें मिले तो हमें बड़ी सहायता होगी।